अस्सलाम वालेकुम, मेरी भी क्लास बायोलॉजी। हम सिंपल लिपिड्स को पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने फैट्स एंड ऑयल्स यानी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और वैक्सेस को पढ़ा, और हमने साथ ही ट्राइग्लिसराइड की फॉर्मेशन जो है उसको देखा। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो कम्प्लेक्स लिपिड्स की है, जिसमें तीन जो है हम क्लासेस पढ़ेंगे, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स और लिपोप्रोटीन्स। तो सबसे पहले हम फॉस्फोलिपिड्स को देखेंगे कि ये क्या इसमें वेरिएशंस आ जाते हैं। तो फॉस्फोलिपिड्स जो हैं, दीज आर बेसिकली द लिपिड्स कंटेनिंग अ फॉस्फेट ग्रुप, एंड द कॉमनेस्ट टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड इज़ फॉर्म्ड व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल कंबाइंस विद द फॉस्फोरिक एसिड इंस्टेड ऑफ अ फैटी एसिड। यानी यहाँ पर ग्लिसरॉल के जो तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, उनमें से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप में फैटी एसिड की जगह पर फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप लगा हुआ होगा, और दी अदर टू जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे वो फैटी एसिड के साथ ही कंबाइन करेंगे, जैसा कि ट्राइग्लिसराइड की फॉर्मेशन में वो साथ में अटैचमेंट होती है। लेकिन यहाँ पर जो है वो डाई असाइल ग्लिसरॉल होगा, यानी दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हैं वो ग्लिसरॉल के वो फैटी एसिड के साथ कंबाइन करेंगे, जबकि थर्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो फैटी एसिड की बजाय फॉस्फोरिक एसिड को अपने साथ अटैच करेगा, और बनने वाला जो मॉलिक्यूल होगा उसको हम फॉस्फोलिपिड कहेंगे। द मॉलिक्यूल जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल बनेगा, इट कंसिस्ट ऑफ अ फॉस्फेट हेड विच इज़ एंड विद टू हाइड्रोकार्बन टेल्स फ्रॉम द टू फैटी एसिड्स, एंड फॉस्फेट हेड कैरीज एन इलेक्ट्रिकल चार्ज दैट इज़ सॉल्यूबल इन वाटर। ऑन द अदर हैंड इट इज़ वी कैन से दैट इज इट इज़ हाइड्रोफिलिक एंड वाटर लविंग हेड। द टेल आर स्टिल इनसॉल्यूबल इन वाटर बिकॉज द वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज बिकॉज दे आर नॉन इलेक्ट्रिकल एंड दे आर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल। यानी एक ही मॉलिक्यूल का जो एक एंड होगा वो सॉल्यूबल इन वाटर होगा, और जो दूसरा एंड होगा वो नॉट सॉल्यूबल वाटर होगा। यानी हेड वाला जो पोर्शन होगा दैट विल बी हाइड्रोफिलिक, और जो टेल वाला पोर्शन होगा दैट विल बी हाइड्रोफोबिक। और ये जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द मेम्ब्रेन्स ऑफ द सेल्स। नेक्स्ट जो है वो इसमें ग्लाइकोलिपिड्स हैं। ग्लाइकोलिपिड्स आर आल्सो द एसोसिएशन ऑफ द लिपिड्स विद द कार्बोहाइड्रेट्स। द कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म अ पोलर हेड टू द मॉलिक्यूल एंड ग्लाइकोलिपिड्स एंड लाइक फॉस्फोलिपिड्स, एंड दे आर आल्सो फाउंड इन द मेम्ब्रेन्स। तो नेक्स्ट जो है वो हम इसकी फॉर्मेशन देखेंगे, फॉस्फोलिपिड की फॉर्मेशन जो है ये कैसे होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाँ जी, ये एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, और इसके जो हैं वो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हैं ये फैटी एसिड के साथ बॉन्डेड हैं, और जो तीसरा इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है दैट इज़ बॉन्डेड विद द फॉस्फेट ग्रुप। यानी ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल विद टू फैटी एसिड मॉलिक्यूल एंड वन फॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल, और ये भी कंडेंसेशन रिएक्शन है। यहाँ पर एक जो है वो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, और एज ए रिजल्ट जो है वो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल बनता है। ये देखिए, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि दो बॉन्ड जो हैं वो इसके फैटी एसिड के साथ हैं, यानी ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के जो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं वो फैटी एसिड के साथ अटैच हैं, जबकि जो थर्ड वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप है दैट इज़ मेकिंग बॉन्ड विद द फॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल, दैट इज़ अ मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोलिपिड। दिस इज़ अनदर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल। Here you can see this is the glycerol molecule with two fatty acids, यानी diacyl glycerol molecule है ये, diacyl glycerol, इसमें दो fatty acid attach हैं glycerol molecule के साथ, and this is the phosphate group, and after attachment this is the glycerol molecule with two fatty acids and one phosphate group, this is called as phospholipid molecule। अगर हम इसकी जो है वो simple representation देखें तो इस तरह का ये molecule है कि इसका जो है ये हेड है, दैट इज़ फॉस्फेट हेड, दैट इज़ हाइड्रोफिलिक, एंड दीज आर दी हाइड्रोफोबिक टेल्स। यहाँ पर चूंकि दो फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अटैच हैं, इसलिए इसकी दो टेल्स हैं। पीछे हमने ट्राई असाइल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल जो देखा था, उसके साथ हमने देखा कि उसका जो ग्लिसरॉल हेड है और उसकी जो है वो तीन जो हैं वो फैटी एसिड टेल्स हैं, यानी ट्राई असाइल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल को हम यूँ ड्रॉ कर सकते हैं, दिस इज़ अ ट्राई असाइल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। लेकिन जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है इसकी चूंकि दो फैटी एसिड टेल्स हैं, तो और जो फॉस्फेट हेड है इसका, इसलिए हम इस मॉलिक्यूल को जो है वो दो टेल्स के साथ
ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि आपने जो है वो सेल मेम्ब्रेन्स के स्ट्रक्चर में भी ये मॉलिक्यूल देखा होगा, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल जो है। नेक्स्ट जो है वो लिपोप्रोटीन्स हैं। लिपोप्रोटीन्स आर द मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ लिपिड्स विद प्रोटीन्स एंड दे आर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स फॉर द लिपिड्स इन द सर्कुलेशन। थर्ड जो कैटेगरी थी वो डिराइव्ड लिपिड्स की, जिसमें हमने स्टीरॉयड्स या टर्पीन्स को कहा था कि दो इसमें फर्दर क्लासेस हैं। स्टीरॉयड्स में अगर हम देखें तो इसमें कोलेस्ट्रोल जो है वो इसकी एग्जाम्पल है। एक्सक्लूसिवली फाउंड इन एनिमल्स इज द मोस्ट अबंडेंट एनिमल स्टीरोल एंड इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल सेल्स एज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स एंड लिपोप्रोटीन्स। इट वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द बाइल एंड कोलेस्ट्रोल लिटरली मीन्स सॉलिड अल्कोहल फ्रॉम द बाइल। इट परफॉर्म्स मैनी फंक्शंस इन फॉर द सेल। इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी सो प्रेजेंट इन द अबंडेंस इन नर्वस टिश्यूज। इट अपीयर्स दैट कोलेस्ट्रोल फंक्शंस एज एन इंसुलेटिंग कवर फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज इन द नर्वस टिश्यू। इट हैज ऑल्सो रोल इन द सिंथेसिस ऑफ द बाइल एसिड्स हार्मोन्स एंड वाइटामिन डी। दिस इज़ अबाउट द सिंथेसिस ऑफ द फॉस्फोलिपिड, जो मैंने आपको बता दिया कि फॉस्फोलिपिड्स जो हैं ये मोस्टली जो है वो सेल के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज होते हैं। इसके अलावा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स में भी सिंथेसाइज होते हैं। और सिंथेसिस कैसे होती है ये मैंने अभी जो पीछे आपको डायग्राम्स दिखाई हैं, रिएक्शंस जिसमें मैंने आपको दिखाया है कि इसमें फॉस्फोटाइडाइक एसिड होता है और फॉस्फोटाइडाइक एसिड जो है और 1-2 डाईसाइल ग्लिसरॉल यानी कार्बन नंबर 1 के जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप और 2 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ दो फैटी एसिड मॉलिक्यूल अटैच होंगे और जो थर्ड वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो फास्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल के साथ अटैच होगा, ठीक है। और 1-2 डाईसाइल ग्लिसरॉल जो है ये इंटरमीडिएट है इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्राईसाइल ग्लिसरॉल, तो इसके साथ जो है एक फॉस्फेट ग्रुप लग जाएगा और फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल बन जाएगा। सिंथेसिस कहाँ पर होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो है इसकी सिंथेसिस होती है। तो यहाँ तक जो है वो हमारा लिपिड्स का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है वो हम प्रोटीन्स का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे।